मैं बताना चाहूँगा तुम लोग को एज़ यूजुअल, ये हमारा डेली का रूटीन हो गया है कि हम देखेंगे क्या क्या कवर हुआ और क्या क्या हम लोग का कवर करने के लिए बाकी बचा हुआ है। 16th वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बस एक कार्ल मार्क्स का थ्योरी बचा हुआ है। सेकेंड वन में हमने पहला कवर नहीं किया, यूरोपियन स्टेट सिस्टम। मॉडर्न पॉलिटिक्स में हमने यूरोपियन स्टेट सिस्टम कवर नहीं किया है। अमेरिकन रेवोल्यूशन वी हैव कम्प्लीटेड थरोली, उसका संविधान भी किया है। यहाँ पे सिविल वार नहीं है, सिविल वार फोर्थ में है, यहाँ पे नहीं, फर्स्ट में नहीं है, फोर्थ में है। ये जानना बहुत ज़रूरी होगा अब्राहम लिंकन जी का क्या रोल रहा, क्या एबोलिशन ऑफ स्लेवरी हुआ, इस चीज़ के बारे में आज जानेंगे। और जो आज जितना होगा आज आधा घंटा किस फेयर में उतना बताया जाएगा तुम लोग को, ठीक है। इसके लिए हड़बड़ी नहीं है। देखो फिर से देखो ये 13 कॉलोनीज के बारे में, आई होप तुम लोग को पता चल ही गया होगा इसके बारे में, ठीक है। ये पूरा देखो, आज ये मैप बहुत अच्छे से काम आएगा तुम लोग का, ठीक है। टेक्सस है, वाइओमिंग है, उसके बाद तुम्हारा अलबामा है, जॉर्जिया है, मिसिसिपी है, लुसियाना है, ये सभी लोवा है, ये सभी काम आएंगे, ये सब स्टेट। क्यों? कैलिफोर्निया है एक तरफ, देखो वेलकम टू द होटल कैलिफोर्निया, इस तरफ इस पर एक बहुत बड़ा गाना बना था, बहुत फेमस गाना है। आगे देखते हैं, बढ़ चलते हैं। देखो अमेरिकन सिविल वार, ठीक है, इसमें जो टॉपिक्स है पहले वाला ही बता रहा हूँ, बस इसको 10 मिनट में कंक्लूड कर दूंगा। देखो फैक्टर्स फॉर अमेरिकन सिविल वार, क्या रीजन रहे, क्या क्या परिस्थिति रहा है। स्लेवरी सबसे बड़ा रोल था होल सिविल वार में, है ना, नॉर्थ साउथ डिवाइड, स्लेवरी का डिवाइड, स्लेवरी के ऊपर क्वेश्चन मार्क, इशू ऑफ स्लेवरी बता चुके हैं। सिविल वार एक नॉर्थ साउथ कन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला है यूएस में, अमेरिका में। उसके बाद अब्राहम लिंकन का रोल यूनियन को बनाने में, इसलिए अब्राहम लिंकन अभी तक फेमस है, और सिविल वार का इम्पैक्ट। देखो बाबू, तो 1775 से लेके 83 तक अमेरिकन रेवोल्यूशन चला है फिलाडेल्फिया में, उसके बाद जाके वो तुम्हारा संविधान लागू हो जाता है, सितंबर 1787, हाँ करेक्ट बोल रहे हैं ना जी, तो हो गया। उसके बाद फिर अमेरिकन सिविल वार, वही बोले थे 82-85 ईयर्स के बाद होता है, 1861 से 65, हाँ पहले ही बता चुके थे। देखो इसमें डिवाइड देख लो तुम लोग, नॉर्थ और साउथ। देखो नॉर्थ में कितना डेवलप हो चुका था, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, सिटीज़ इंडस्ट्रियलाइज हो चुके थे, लिबरल सिस्टम था, फ्री स्टेट था, कैपिटलिज्म वाला बात है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, बड़े बड़े इंडस्ट्री है, स्लेवरी वहाँ प्रैक्टिस ही नहीं हो रहा है, ठीक है। बड़े बड़े कॉस्मोपॉलिटन सिटी आ चुके हैं, ट्रेड गजब फ्लरिश हो गया। वही साउथ में देखो अभी भी वहाँ पे एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड प्लांटेशन इकोनॉमी है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन हो रहा है। उसके लिए क्यों? क्योंकि तुम्हारा क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छा है, वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हुआ क्योंकि उसमें चाहिए, इसलिए स्लेव्स का ज़रूरत है, और यहाँ पे स्लेवरी बहुत बड़ा इशू चल जाएगा। ये पूरी तरीके से रूरल इकोनॉमी है साउथ वाला, नॉर्थ वाला तुम्हारा अर्बन इकोनॉमी है, समझ रहे हो बात को। तो यही नॉर्थ साउथ कन्फ्लिक्ट हुआ है, और यहाँ पे बहुत सारे इशू जुटे, जैसे स्लेवरी इशू था, क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी सबसे बड़ा डिवाइड है नॉर्थ साउथ के बीच में। उसके बाद इकोनॉमिक सेक्सलिज्म, यानी कि दोनों में गैप, एक बहुत रिच है एक बहुत गरीब है, तो अमीर और गरीब का डिफरेंस होने की वजह से भी युद्ध हो जाता है, जानते हो तुम लोग। और सोशल डिस्क्रिमिनेशन, क्यों? क्योंकि स्लेवरी किया जा रहा है। ये तीन जो इश्यूज़ थे बहुत बड़ा इशू है, और बाद में बताए थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटेन में हो रहा था जिसकी वजह से तुम्हारा साउदर्न स्टेट्स में इधर डिमांड उठ रहा था, तो इसलिए यहाँ कॉटन प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए भी आ रहा था यहाँ पे, बता चुके हैं। देखो फिगर भी डाल दिया है उसने, अच्छा किया है, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही डाल दिया, हाँ एनीवे ठीक है, मगर जितना मैप पे होल्ड रहेगा उतना बेटर है। देखो सिविल वार मोस्ट डिजास्ट्रस कन्फ्लिक्ट रहा हिस्ट्री में, है ना, यूएस की हिस्ट्री में लगभग 6 लाख से ज़्यादा अमेरिकन अपने लाइफ को ख़त्म किए हैं, उससे डबल तुम्हारा इंजर्ड हुए थे, 2000 टाइम्स तुम्हारा मिलिट्री मोबिलाइजेशन लगा है लगभग, और ये पीरियड तुम्हारा 4 साल का चला है, 1861 से लेकर 65 तक, है ना। उसके बाद देखो क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी बहुत बड़ा सवाल था, ठीक है, जब वो सिविल वार हो रहा था तो उस समय लगभग 4.5 मिलियन, यानी 45 लाख स्लेव्स, यानी कह सकते हो कि आधा करोड़ स्लेव्स थे, और सभी लोग ज़्यादा कॉटन और टबैको प्लांटेशन में साउथ वाले जो यूएस थे उसके पार्ट में इन्वॉल्व थे, एम्प्लॉयड थे। नॉर्थ में स्लेवरी को माना जाता है कि अगेंस्ट, ये तुम्हारा है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, यानी कि मानवतावाद पे बहुत बड़ा ये काला धब्बा है, जबकि साउथ में इसको रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन की तरह देखा जाता था, तो डिवाइड हो गया वहाँ पे। क्यों? क्योंकि इमेंस इकोनॉमिकल वैल्यूज जुड़ा हुआ है, जब तक स्लेव काम ही नहीं करेगा तब तक कॉटन इंडस्ट्री काम नहीं कर सकता है, आगे प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकता है।
साउदर्न पार्ट्स में देखो कॉटन प्लांटेशन इकोनॉमी है, बता चुके हैं। नॉर्दर्न पार्ट स्लेवरी नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद इंडस्ट्रियलाइज है। नॉर्दर्न पार्ट में स्लेवरी को इलीगल बोल दिया गया है, तो ये सब चीज़ एक बोन ऑफ कंटेंशन बना जो कि बाद में सिविल वार में एक फैक्टर रहा। पहला इकोनॉमिक सेक्सलिज्म यानी कि इकोनॉमिक डिफरेंसेस। 1860 में नॉर्दर्न स्टेट्स बहुत इंडस्ट्रियलाइज हो चुका था, तब तक पॉपुलेशन ग्रो कर रहे थे, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि अपने चरम पे था, ठीक है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया मैसाचुसेट्स, ठीक है, ये सब में डेवलप हुए थे। आप जाके बाबू लोग देख लो, मैं काहे भेजे तुम लोग को, तो देख लो न्यूयॉर्क कहाँ पे, कोमल देखो यहाँ पे ऊपर जाके न्यूयॉर्क मिला तुमको, न्यू जर्सी के ऊपर जाओ मिला, कोमल ऊपर जाओ, न्यू जर्सी के ऊपर है न्यूयॉर्क, मिला तुम लोग को मैसाचुसेट्स, मिल गया तुमको मैसाचुसेट्स, मिला ना जी, वही ऊपर ही है तुम्हारा MASS जो लिखा है वो मैसाचुसेट्स है। और तीसरा नाम क्या आया है, क्या नाम आया उसमें, और मैसाचुसेट्स न्यूयॉर्क और क्या था, नहीं अभी क्या नाम आया था नीचे देखो, पेनिसिल्वेनिया, तो वो भी जानते हैं 13 कॉलोनीज में ही तुम्हारा पी देखो मिल गया न्यूयॉर्क के नीचे, ये देख रहे हो ये बिल्कुल नॉर्दर्न रहेगा कि नहीं रहेगा, एक डिवाइड करोगे तो नॉर्थ और साउथ में, तो ये तीन पेनिसिल्वेनिया न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स में इंडस्ट्रीज बड़े बड़े इंडस्ट्री आना शुरू हो गए। होप सो देख लिया होगा मैप को, जस्ट इमीडिएट मैप ऊपर है ना जी, उसको देखना है। हाँ देखो अब 1200 कॉटन मिल्स, ठीक है, पूरी तरीके से तुम्हारा कॉटन ये पूरा इंडस्ट्रियलाइज, तुम्हारा पूरी तरीके से इंडस्ट्रियलाइज है जी। यहाँ पे स्लेब से भी ज़्यादा तुम्हारा इंडस्ट्री पे है, जानते हो इंडस्ट्री यानी कि मशीन वगैरह वर्क करता है वहाँ पे, सब नॉर्थ में है। बिजनेस बैंकिंग सेक्टर आ गया, शिपिंग सेक्टर्स डेवलप क्यों ना हो, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज़ में है, देखो सब कोस्टल एरियाज़ में है कि नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, रेलवेज कैनाल्स हाईवेज ब्रिजेस सब हो गया वहाँ पे, बेटर कनेक्टिविटी हुआ, इसलिए नॉर्दर्न मोर कॉस्मोपोलिटन बन सका। मोर कॉस्मोपोलिटन कब बनता है, जब कनेक्टिविटी अच्छा होता है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब है कि आउटसाइड वर्ल्ड से जुड़े हुए, आउटसाइड लैंड यानी कि वर्ल्ड से जुड़े हुए, जैसे दिल्ली को कॉस्मोपोलिटन कल्चर बोला जाता है, मुंबई देखो शेयर मार्केट कहाँ से कहीं आ रहा है पैसा वहाँ पे, तो कॉस्मोपोलिटन कल्चर बोलते हैं। और जब कॉस्मोपोलिटन कल्चर होता है तो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट दिखेगा ही दिखेगा उसमें, इन टर्म्स ऑफ हैबिट, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एवरीथिंग, और अर्बन कैरेक्टर बिल्कुल। तो ये सभी चीज़ हमको नॉर्थ के स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, जबकि जो साउथ का है वो एग्रीगेरियन है, रूरल नेचर है, जान चुके हो इस चीज़ को। स्लेवरी वहाँ पे लीगल है क्योंकि प्लांटेशन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है वो। अब प्लांटेशन इकोनॉमी कहाँ पाँ देखो, जॉर्जिया अलबामा टेक्सास फ्लोरिडा मिसिसिपी ऊपर जाकर विजिट करो, मैप इसी के लिए दिए थे ये एरियाज़ के देख लो, इसलिए तुमको कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा। जॉर्जिया समझ में आ गया, अलबामा समझ में आ गया, मिसिसिपी समझ में आया, टेक्सास है अभी नाम देखो, होप सो मैप काम आएगा। ये देखो फ्लोरिडा देखो है ना, टेक्सास है जी, टेक्सास है, जॉर्जिया है, अलबामा है और फ्लोरिडा, होप सो समझ गए। ये हो गया प्लांटेशन इकोनॉमी, लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी होता है, इसके लिए स्लेव्स चाहिए, इसलिए ये जो नॉर्थ साउथ का जो है ये जो कॉन्ट्रास्ट है स्लेव को लेके, यही ना कहीं जाके सिविल वार को क्रिएट किया है। उसका सोशल कॉन्ट्रास्ट है, डिस्क्रिमिनेशन है कलर के नाम पे, तभी तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहाँ पे, रेशियल वही सेकेंड अपरथाइडी वही चीज़ हुआ, ब्लैक्स को सप्रेस किया जाता था, एक्सप्लोर किया जाता था। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंग्लैंड वो भी बहुत बड़ा रीजन बना है, जानते हो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ हुआ इंग्लैंड में, जिसके वजह से रीजन बना, कॉटन बूम हो गया तुम्हारा साउथर्न पार्ट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वहाँ से जाएगा कॉटन और वहाँ पे इंडस्ट्री होगा, कहाँ इंग्लैंड में, इंग्लैंड में इंडस्ट्री है, कॉटन जा रहा है रॉ मटेरियल्स, तो जो कॉटन बूम होगा तो वहाँ पे पूरी तरीके से तुमको स्लेव चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में हुआ था वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना है कि स्लेव वाला इंडस्ट्री जो इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है साउथर्न पार्ट्स ऑफ योर यूएस से, समझे बात को। आगे देखो क्या उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, देखो 1852 में एक बुक लिखा गया था जानते हो, जिसका थीम ही एंटी स्लेवरी था, प्रोटेस्ट हो गया साउथ में क्योंकि साउथ में स्लेवरी लीगल है, ठीक है। जो सेनेटर थे स्टीफन डगलास, वो एस्पायरिंग कैंडिडेट थे अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए, वो आए और एक लॉ लेके आए 1854 में जो कि साउथ के लिए लेके आए, तो उसमें ये बोल दिया गया था कि कोई भी अपना स्टेट अपने हिसाब से काम कर सकता है, इसलिए वो अपना स्टेट डिसाइड करेगा कि इसलिए स्टेट रहना है या नहीं रहना है, स्टेट के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है, ठीक है। मगर इसको रिपब्लिकन ने प्रोटेस्ट कर दिया, रिपब्लिकन ने, क्योंकि वही डेमोक्रेट और रिपब्लिकन,
तो डेमोक्रेट वाले थे, रिपब्लिकन ने प्रोटेस्ट कर दिया, बोला कि नहीं हम इस एक्ट का कड़ी निंदा करते हैं। और क्या हुआ उसके बाद, अब्राहम लिंकन 1861 में प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। और वो नॉर्थ थे, और नॉर्थ का यदि पूरा कंट्री का बन जाए तो नॉर्थ साउथ डिवाइड तो और होगा, हमारा क्यों नहीं सुना, डोगरास को क्यों नहीं बनाया आपने, या फिर दूसरे कैंडिडेट को क्यों नहीं बनाया आपने, समझे बात को। तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं नॉर्थ से चुनने की वजह से इंटेंसिफाइड हो गया ये क्राइसिस, और सिविल वॉर और भयानक हो गया, समझे। तो अब बोला कि सीडिंग अभी स्टेट्स, स्टेट बोला फ्लोरिडा, टेक्सास, अलबामा, जॉर्जिया, लाउसियाना, ऊपर चल जाओ फिर से देखो उसी मैप को, बोला कि हम भाग रहे हैं यहाँ से, फ्लोरिडा देखो, टेक्सास, लाउसियाना मिल गया तुमको अभी, लाउसियाना, टेक्सास, लाउसियाना, अलबामा, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, समझ गए, साउथर्न स्टेट। ये क्या बोला, बोला कि हम जाते हैं यहाँ से, हमको नहीं रहना है यूनियन में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन के नहीं रहना है हमको, ठीक है। और एक नया संविधान बना दिए, नया फ्लैग बना दिए सब मिलके एक, और जेफरसन डेविट एक जो प्रमुख आदमी थे उस समय उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, और वहाँ पर स्लेवरी, बोला कि स्लेवरी रहेगा। तो गुस्सा आ गया अब्राहम लिंकन, गुस्सा आ गया इस चीज़ का कि कौन होता है चार पाँच को स्टेट्स करने वाला। तो देखो यहाँ पे है कि नॉर्थ ने अटैक किया साउथ को, ठीक है। उसके बाद फिर आस्ते आस्ते, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं है, क्यों, क्योंकि वो सब स्टेट भाग रहा था, अपना संविधान बना दिया था, अब्राहम लिंकन को इंटरफेयर करना ही पड़ा, कंट्री का अखंडता को समझते हुए, यूनिटी को समझते हुए, समझ रहे बात को। तो अब्राहम जी का रोल क्या था कि इन्होंने जो सीसेशन बोला कि ये जो आप छूट के गए हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, और डिक्लेयर किया कि अमेरिका एक यूनियन है और कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता है, आप किसी स्थिति में नहीं छोड़ के जा सकते हो, ठीक है ना। स्लेवरी हमारे लिए इशू नहीं है, हमारे लिए यूनियन इशू है, पब्लिक का कॉन्फिडेंस लेना, क्योंकि पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा टूट के चला जाएगा, जो बात है, नेता कुछ नहीं कर सकता है। देखने फार्मर्स प्रोटेस्ट पर कल आया कि नहीं आया, राकेश टिकैत बैठ के वहाँ पे बैरिकेड में बैठे खाना खा रहे थे, नजर आ गया तुम लोग को, तो समझ रहे हो, क्योंकि उनको पब्लिक का वो है, देखो पब्लिक सपोर्ट होता है ना कोमल, अपने आप आगे आगे निकल जाता है, नेता ऐसे नहीं बनते, लोग बनाते हैं उसको, समझे, यही है, पब्लिक सपोर्ट चाहिए। मगर इनका प्रिंसिपल कंसर्न बोला कि हाँ यूनियन है, मगर हाँ यूनियन का सॉलिडिटी को मेंटेन रखना है, यानी कि यूनियन जस का तस रहेगा, और प्रेम हो, ब्रदरहुड हो, सब एक साथ रहे। इसका मतलब ये नहीं कि स्लेवरी हमारे लिए इशू नहीं है, स्लेवरी है क्योंकि हम अगेंस्ट है उसके, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है ये, नॉर्थ से नॉर्थ वाले सोच तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, समझ रहे बात को। कभी भी इन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया स्लेवरी को, क्योंकि वो एंटी मॉरल और एंटी एथिकल मानते थे इस चीज़ को, ठीक है। तो जो स्टेट्स भागा है साउदर्न स्टेट्स में, वहाँ पे मिलिट्री मोबिलाइजेशन करवाए नॉर्थ से अब्राहम लिंकन ने, 1863 बोला जाता है डिसाइसिव ईयर था, ठीक है। साउदर्न को फाइनली हराया गया और नॉर्थ में उसको ऐड किया गया, और फिर उसके बाद बहुत तरह का बात हुआ है, बैटल ऑफ गेटिसबर्ग हुआ है, वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सिविल वार को चेंज कर दिया, और लास्ट में साउथ को डिवास्टेड हार गया, साउथ सरेंडर कर दिया, फिर इंटीग्रेट हुआ, फिर जाके यूनिटी को मेंटेन किया गया। तो सिग्निफिकेंस क्या है, सिविल वार 1865 में एंड हो गया, और हाँ अब्राहम लिंकन एबल रहे यूनियन को बचाने में, इसलिए इनका नाम है। फिर रिलेक्टेड हो गए, बोले कि वाह, तो 1864 में रिलेक्ट हो गए थे, क्यों, क्योंकि 61 में चुने हैं चार साल के लिए, फिर चार साल से इधर 4 ईयर्स का होता है टेन्योर। इन्होंने फिर रिकंस्ट्रक्शन का काम किया साउथ में, और इनके जो भी आए हैं सक्सेसर प्रेसिडेंट जो आए हैं उन्होंने और अच्छा काम किया है, और इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है, समझे। स्लेवरी को एबोलिश कर दिया गया साउथ से। एंड्री जॉनसन जो इसके सक्सेसर थे, न्यू प्रेसिडेंट थे, इन्होंने न्यू पॉलिसी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन का काम किया। 14th एंड 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, संविधान में फिर से लागू किया गया, जहाँ पे ये फ्री स्लेव्स को राइट्स देने का बात था, क्योंकि देखते हो पहला का संविधान जो बना था 1787 17 सितंबर को जो किया गया था, उसमें कहाँ था जो प्रॉपर्टी के हिसाब से तुमको दिया जा रहा था। डिस्क्रिमिनेशन जो रेस कलर के नाम पे है वो बैन कर दिया गया, ब्लैक्स को राइट दे दिया गया कि आप भी वोट दे सकते हैं। और 1870 में यानी कि जो नए प्रेसिडेंट हैं एंड्रू जॉनसन, उनके लीडरशिप में रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को अंजाम दिया गया, ठीक है। अमेरिका को सभी, पूरा अमेरिका यानी कि साउदर्न अमेरिका को भी रोड से, रेलवे से, सबको अच्छे से इंटीग्रेट किया गया, समझे। और इससे तुम्हारा साउदर्न स्टेट्स भी अर्बन बन गया एज अ होल
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बेस्ट हो गया, समझ गए बात को। ये अभी तक तुम लोग जानते हो, मैंने कोई तीर नहीं मारा है, जो तुम जानते हो वही तुम पढ़े हो। हाँ, अब इस ऑप्शन स्टार्ट होगा। क्यों क्यों इसलिए होगा, क्योंकि अब ऑप्शन आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए, क्योंकि दिमाग बन गया है वैसा, बात समझो ना। तो अब ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है कि तुम लोग नया चीज़ यही जानो कि मैप से तुमने कनेक्ट किया है इस बार, ये नया चीज़ की हो इस बार कि मैप से कनेक्ट की हो, और ज्योग्राफी यदि कनेक्ट है तो वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत हेल्प होगा तुम लोग को, समझे। तो देखो वहाँ पे, यहाँ से देखो, अब देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब ये भी समझो कि क्या आलम रहा है यूएस का उस समय, जो अब देखो कैसे पढ़ोगे इसको डिटेल्स में। तो अमेरिका देखो अलास्का है, कनाडा है, यूएस से है, तुम्हारे नीचे तुम्हारा मैक्सिको है। देखो एक टाइम में 13 कॉलोनीज था, 1861 में बाबू 36 स्टेट्स था, 50 स्टेट नहीं था अभी की तरह, मात्र 36 स्टेट्स था। आउट ऑफ दिस 20 वर फ्री स्टेट्स, जहाँ पे स्लेवरी एबोलिश था, यानी कि तुम्हारा 36 में ठीक है 20 स्टेट्स है जहाँ पे स्लेवरी नहीं है, और 16 स्टेट है जो कि स्लेव स्टेट्स है। होप सो समझ में आ गया होगा, थोड़ा डेटा मिल गया यहाँ पे तुमको, यानी कि समझ रहे हो कि जो स्लेव स्टेट्स है वो भी अच्छा खासा है, अच्छा खासा है। तो यहाँ पे सिविल वार होना भी, देखो सिविल वार ऐसे नहीं होता, सिविल वार तब होता है जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो और बहुत बड़ा पॉपुलेशन में डिफरेंस हो, ये समझो। क्योंकि यहाँ तो 20 वर्सेस 16 हो गया, तो बहुत बड़ा हो गया ना, ये भी समझना होगा इस तरह गणित को। देखो तो वार बिटवीन अमेरिकन गवर्नमेंट एंड रेबेलियन शुरू हो गया, रेबल ग्रुप्स आ गए कि सरकार के विरोध करते हैं, काहे आप स्लेवरी को कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, बहुत तरह का बात है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट है, वही है कि नॉर्दर्न स्टेट्स में क्या है फ्री स्टेट्स है, वो आइडियाज ऑफ इनलाइटमेंट से ग्रसित है, ग्रसित बोले प्रभावित है, नेगेटिव वर्ड है ग्रसित, वहाँ स्लेवरी से ही ग्रसित है, डोंट वरी ठीक है, तार से ऊपर से गिरा, तार पे अटका कहीं ना कहीं तो अटका, समझे। शब्दों का सौदागर हूँ मैं, कहीं बेच दूंगा शब्द समझे। देखो साउदर्न स्टेट्स क्या है, स्लेव स्टेट्स हैं, जहाँ पे इनलाइटमेंट से ये क्या है ग्रसित है, इनलाइटमेंट है नहीं वहाँ पे, जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग, आज सोचो खुद सोचो प्रोग्रेसिव थिंकिंग हुआ था कहा स्लेवरी को आगे, क्योंकि यूएस का संविधान ही में ह्यूमन राइट्स का बात है ना, जब तुम्हारा थॉमस जेफरसन बनाए थे लिखे थे, जब डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का बात चला था फिलाडेल्फिया सेकंड वाला में, तो वहाँ पे बड़े 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 प्रोमिनेंट लीडर फ्रैंकलिन भी आए थे, वाशिंगटन भी थे, समझ गए बात को ना। तो देखो यही हुआ कि 1787 में अमेरिका यूनियन बना, 13 कॉलोनीज 13 स्टेट्स बना है जानते हो, और समय के साथ और भी जो अगल बगल के छुटपुटिया स्टेट सब था वो भी ज्वाइन किया है छोटे छोटे स्टेट्स ने, और तब जाके 1861 के टाइम में ये तुम्हारा 36 स्टेट्स बना है। और उसके बाद देखोगे तो ये 36 स्टेट्स और भी बहुत सारे स्टेट आके 50 बन गए, अलास्का और उसका बाद में आया, समझने का प्रयास होना चाहिए। देखो तो 1861 से 65 में 36 स्टेट्स एक्टिव थे। अब देखो फ्री स्टेट्स यानी कि फ्री स्टेट मतलब क्या, जो स्लेव स्टेट्स नहीं है, और जो स्लेव स्टेट्स है दूसरा, दोनों में इकोनॉमिकली बहुत डिफरेंस है, अभी जस्ट बताए इकोनॉमिक डिफरेंसेस है दोनों के बीच में, है ना। इकोनॉमी देखो एक प्लांटेशन पे बेस्ड है, सो ऑन, नॉर्दर्न में पूरी तरीके से मैकेनाइज प्रोडक्शन है, आदमी है, इंडस्ट्री है, सोशो कल्चर भी डिफरेंट डिफरेंट है। देखो अब साउथर्न स्टेट ट्रेडिशनल आउटलुक है, पुराना ख्याल वाला है लोग सब है, कंजर्वेटिव आइडियाज है, और नॉर्दर्न स्टेट कॉस्मोपोलिटियन वाला है, स्लेवरी को इविल माना जा रहा है। और पॉलिटिकल लाइफ में डिफरेंस देखो, डेमोक्रेटिक स्टेट पॉपुलर स्टेट है ऊपर वाला, ठीक है सॉरी डेमोक्रेटिक स्टेट पॉपुलर स्टेट इसमें क्या है, है तो देखो डेमोक्रेटिक है, मैं ये प्रो स्लेवरी है, स्लेवरी वही तो डोगलास आया था डेमोक्रेट्स, और ये रिपब्लिकन देखो, और रिपब्लिकन पूरी तरीके से एंटी स्लेवरी, समझो इस चीज़ को भी वहाँ से फिल्टर करके डालो उसमें ना, यही है। देखो तो डिफरेंस जो है एक कंटिन्यूस फेनोमेना रहा है, और कहीं ना कहीं यहीं जाके बहुत बड़ा बीज बो देता है। देखो एक्सपांसन ऑफ वे तुम्हारा कंट्रीज टू यूएसए, मिसिसिपी के बाद तक गया है, एक्सपांस हुआ है यूएसए बड़ा, मतलब यूएसए में और भी बहुत सारे आए हैं जुड़ने के लिए, बताएंगे अभी थोड़ा फैक्चुअल्स में। 61 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तो अब्राहम लिंकन रिपब्लिकन पार्टी से आ जाते हैं, नॉर्थ से आ जाते हैं, ठीक है और भी जानने को मिलेगा तुमको, वो जीत जाते हैं तो और साउथर्न स्टेट डरा जाता है कि अरे बाप रे
तो फिर वो भाग जाता है टेक्सस, वो वाला अलबामा वाला सब, ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद बहुत सारा चीज़ होता है, समझे। तो जेफरसन डेविस भी थे कैंडिडेट, तो देखेंगे सभी चीज़ देखेंगे, होप सो इतना तो समझ में आ ही गया होगा तुम लोग को। अभी जो बोले थे देखो सभी चीज़ आएंगे, अब आराम से बताएंगे। देखो अमेरिकन सिविल वार इंट्रोडक्शन, हाँ पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अमेरिकन सिविल वार जो कि 1861 से लेकर 65 तक चला था, वो मोस्ट डिजास्ट्रस कन्फ्लिक्ट है जो हिस्ट्री ऑफ US में विटनेस किया गया। क्यों, अभी जस्ट बताए थे सारे 6 लाख, ठीक है, उसमें कितना था बाबू, उसमें कितना आंकड़ा दिए थे, उसमें 60 लाख दिए होंगे, देखो जरा, है ना। नहीं वो तो दूसरा, वो तो पहले वाला बताया, हाफ करोड़ तो 4.45 लाख जब था तब बोले थे, इकोनॉमिक सर्वे में बोले थे ना। वो देखो जाकर देखो, देखो क्या है, हमको देखना पड़ता है गधा लोग, तुम लोग कितना बेकार बेकार लोग हैं। देखो जाकर तो है, तो डायरेक्ट तो है, सेम आंकड़ा है, 6 लाख है, 6,20,000 है कि नहीं है, बताओ सेम है, वो तुम दूसरा वाला बता देते। देखो समझ में आया ये चीज़, तो लगभग 6.5 लाख करोड़ अमेरिकन्स लॉस कर गए, और ज़्यादा इससे वुंडेड हो गए, यानी कि घायल हो गए, इंजर्ड हो गए। अमेरिकन यूनियन इमर्ज विक्टोरियस अल्टीमेटली, यही हुआ अब्राहम लिंकन के इंटरफेरेंस से बच पाया ये, ठीक है, नेशन कंसीव इन लिबर्टी, लिबर्टी को बचा पाया इसने, ठीक है, एंड डेडिकेटेड टू प्रीपोजिशन डेट ऑल मैन, और हाँ ये रखा गया इस बात को कि सभी लोग इक्वल बॉन्ड हैं और सभी को हमको सर्वाइव इट्स मोस्ट टेरेबल ऑडियल, यानी कि जो एकदम खतरनाक जो परीक्षा था एक कंट्री का उसने पास कर लिया, क्योंकि सिविल वार पास कर लिया तो कंट्री पास कर गया, यानी कि ऑडियल को, यानी कि लिखा, देखो यहाँ लिख तो दिया है ऑडियल, परीक्षा, एक बहुत बड़ा परीक्षा को पास किया है, 4 साल का जो परीक्षा था, ठीक है, क्योंकि उस क्राइसिस के बाद बाबू कंट्री टूट सकता था, मैं उसमें भी रह गया साथ, ये बड़ी बात था, ठीक है। तो अमेरिकन सिविल वार वॉज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन प्रिवेलिंग इन अमेरिकन सोशियो कल्चर पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ, ये खुद का अंदर का कॉन्ट्राडिक्शन है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, एक जगह सही एक जगह गलत है, यानी कि अपने आप में अमेरिका एज अ होल देखोगे तो तुमको नज़र आया कि बहुत बढ़िया है, मैं अंदर जाकर जूम करके देखोगे तो बाबू नॉर्थ और साउथ डिवाइड है, वही कॉन्ट्राडिक्शन है, चाहे वो सोशियो कल्चरल के टर्म्स में हो, चाहे पॉलिटिकल के टर्म्स में, चाहे इकोनॉमिक लाइफ के टर्म्स में हो। और जो यूनियन का जो विक्ट्री हुआ है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि जो लिमिटेशंस जो थे US में वो रिमूव हुआ आस्ते आस्ते, चाहे वो 13th और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला के हो या फोर्सफुली मिलिट्री मोबिलाइजेशन लगा के हो जो अब्राहम लिंकन ने किए थे, जो लिमिटेशंस है सभी को पार किया गया है, समझ रहे हो बात को। तो फैक्टर्स क्या क्या रहा है अमेरिकन इसके इशू ऑफ स्लेवरी जानते हो, अब देखो इसमें थोड़ा और डिटेल जान लो। देखो पहला क्या कि इशू ऑफ स्लेवरी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है तुम्हारा अमेरिकन सिविल वार के लिए, मिलियंस ऑफ स्लेव थे, अभी मैंने आंकड़ा दिया था तुम लोगों को कोमल, इसमें आंकड़ा दिया था कोमल 0.45, यानी कि 1.5 करोड़ इसमें बोला था मैंने। देखो मिलियंस ऑफ स्लेव्स हैं, ठीक है, जो अमेरिका लाए गए अफ्रीका से, है ना, 17th और 18th century में जब यहाँ पे प्रकोप बढ़ रहा था, कॉटन प्लांटेशन बढ़ रहा था, और ये सब कौन किया, ब्रिटिश किया है, है ना। बट द एटीट्यूड ऑफ द नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड साउदर्न स्टेट्स टूवर्ड्स स्लेवरी वॉज डिफरेंट, दोनों का अलग एटीट्यूड है, बार बार एक चीज़ दोहराने की जरूरत तो नहीं है, अब ये तो नहीं बोलना पड़ेगा इलीगल है, इलीगल है, समझ ही रहा है तुम लोग। When American Constitution was drafted in 1786, 5 out of 13 units abolished slavery. देखो 13 जो colonies था, शुरुआत का बता रहा हूँ, उस समय तो 13 colonies था बाबू, उसमें से 5 जो है, 5 ने विरोध किया slavery का, यानी कि बीज तो वहीं पर बो दिया गया था, slavery पसंद नहीं था। मैं majority देखोगे तो अभी भी slavery, क्यों, क्योंकि मैंने तो बताया था कल ही तुम लोग को जब संविधान बना था ऑप्शनल में भी, तो उसमें से तो लैंडलॉर्ड खुद थे, खुद पहुंचा हुआ था स्लेव का, खुद इंडस्ट्री का मालिक सब था, हाँ खुद मालिक था, खुद बड़ा बड़ा कॉटन प्लांटेशन चलाता था नीचे, तो वो लोग नहीं किया, तो वही तो बोल रहा है
कि यदि हम देखें कि जब 1787 में संविधान को लागू किया गया वहाँ पे, हाँ बनाया गया, उस समय भी 13 कॉलोनीज जो कि 13 स्टेट बन चुका है उसमें भी 5 स्टेट्स ने स्लेवरी को एबोलिश किया था, यानी कि अभी भी मेजोरिटी यानी कि 7 वो भी तुम्हारा क्या है स्लेवरी को लेके चल रहा है, समझ जाओ, और वो कैरी फॉरवर्ड होगा आगे। अब बाद में वही चेंज हो जाएगा 1861 में 36 में, और 36 में 20 हो जाएगा एंटी स्लेवरी और 16 स्लेवरी हो जाएगा, समझ रहे हो ना गणित। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, वही मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, देखो ये लिखने का तरीका है बाबू, ये लिखने का तरीका है कॉमन। मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी मतलब क्या है, 1850 तो आ गया बात पहुंच गया, तो तुम लोग भूलोगे भटकोगे इस तरह वर्ड यूज़ करोगे, ये तरीका है। तो 36 स्टेट्स हो गए अमेरिकन यूनियन का, जिसमें 20 क्या है फ्री स्टेट्स है, यानी कि जहाँ पे स्लेव नहीं होगा, जहाँ पे इलीगल होगा स्लेवरी, और तुम्हारे जो 16 स्टेट हो स्लेव स्टेट्स है, क्यों, क्योंकि कॉटन प्लांटेशन बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रेरियन बेस्ड इकोनॉमी है। अब देखो फ्री स्टेट्स वर लोकेटेड इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए, कोई दिक्कत है, ऊपर वाला पार्ट है और नीचे साउदर्न पार्ट है जो स्लेव स्टेट्स है। अब देखो ये फ़ायदा होता है कि इतना तुम पढ़ लिया कि अब आ रहा है, सब समझ में आ रहा है, कोई ज़्यादा प्रयास ही नहीं किया करना पड़ रहा है हमको। देखो अमेरिकन जो फ्री स्टेट्स थे और स्लेव स्टेट्स है वो डिफरेंट है बहुत सारे चीज़ में, सोशियो कल्चरल में, इकोनॉमिक लाइफ में, और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी बहुत अलग अलग, कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंट है, दोनों का अलग है, क्यों ना हो, अभी जस्ट ऊपर बता चुके हैं तुम लोग को माइंड मैप में जस्ट पढ़ाने से पहले। इकोनॉमिक लाइफ जो नॉर्दर्न स्टेट का था बाबू, मैकेनाइज प्रोडक्शन है, इंडस्ट्री बना रहा है, मास असेंबली प्रोडक्शन हो रहा है जैसे तुम्हारा इंग्लैंड में हो रहा है, समझे बात को, ट्रेड और कॉमर्स गजब का है, स्लेवरी वहाँ पे नहीं है, तो नॉर्दर्न स्टेट्स का है, कॉस्मोपॉलिटियन है जी, है ना। साउदर्न स्टेट में देखो इकोनॉमी पूरी तरीके से तुम्हारा प्लांटेशन पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, जिसमें मैनुअल लेबर इंटेंसिव है, वो आदमी चाहिए तो इसलिए चाहिए, वहाँ का कौन करेगा, अमेरिकन नहीं करने वाले हैं इसलिए भी करेगा, ठीक है, तो मैनुअल लेबर चाहिए आपको इसलिए स्लेव्स देगा आपको वहाँ पे, स्लेवरी इंस्टीट्यूशन वहाँ पे रहेगा, लीगल रहेगा। अब ये समझ गए तुम इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर देखो, सोशियो कल्चर देखोगे तो तरीका जो जीने का तरीका था क्या, प्रोग्रेसिव लिबरल इगैलिटेरियन सब में बिलीव करते, तभी नॉर्दर्न यूएस ने इलीगल घोषित किया था, क्योंकि बिलीव करता था थॉमस जेफरसन वाला प्रिंसिपल को लेके, थॉमस पेन वाला लेके, ठीक है, इसलिए वहाँ पे एविल माना जाता, श्राप माना जाता था। साउदर्न स्टेट में देखो वही बात है, सोशल प्रेस्टीज माना जाता था, देखो गजब बात है, स्लेवरी हमारे पास है, नौकर है हमारे पास तो हमारा प्रेस्टीज ज़्यादा है, कागो स्लेवरी रखे हैं ज़्यादा नहीं 12 को है, ठीक है 20 को हो सकता था प्रेस्टीज वही जो दहेज वाला नहीं है कहानी, अभी कितना लिए 16 लाख, थोड़ा ज़्यादा हो सकता था, आप कितना लिए, नहीं लिए जी, भागो यहाँ से, तो कह लिया, तो कहने का मतलब क्या है कि नैरेटिव बिल्टअप हो जाता है इस तरह का, समझ में आया कोमल, कितना लिया तुमने तुम्हारा बाबू दिलवा देंगे हम, ठीक ना। देखो साउदर्न क्या स्लेव स्टेट्स में सोशल प्रेस्टीज माना जा रहा है, नंबर ऑफ स्टेट्स बाय अ फैमिली इंडिकेट इट्स सोशल, जितना ज़्यादा है वही तो बोले उतना सोशल स्टेटस उसका हाई है। रिपब्लिकन पार्टी देखो, यदि मैं पॉलिटिकल का बात करूँ, वो क्या है ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे, और ये पूरी तरीके से एंटी स्लेवरी वाला लेके चल रहा है विचारधारा। डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी तरीके से साउदर्न स्टेट्स पार्टी का पॉपुलर था नीचे, हालांकि दोनों ही था, मैं पॉपुलर बोल रहा हूँ, मैं दोनों ही तुम्हारे पार्टी प्रेजेंट हैं, मैं रिपब्लिकन पार्टी ज़्यादा फेमस है नॉर्थ में और डेमोक्रेटिक पावर ज़्यादा यहाँ पे, पार्टी जो यहाँ पे पावरफुल है अपना अपना गढ़ है, जैसे बीजेपी देखो यहाँ पे हिंदू वाला स्टेट में फेमस है, और जो प्रोग्रेसिव होता है कांग्रेस है वहाँ पे, जैसे साउदर्न स्टेट देख लो, तो ये होता है ऐसा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा आइडियोलॉजी मैच करना चाहिए ना उससे, सिंपल बात है। आज केजरीवाल को क्यों दिल्ली में, फिर उनका आइडियोलॉजी मैच है केजरीवाल का, क्यों, क्योंकि प्रोग्रेसिव है लोग, वो धर्म से उठ गए हैं लोग, धर्म से उठेगा तो बाबू तो कोई मतलब नहीं होता उसको, ठीक है ना, और धर्म से उठना मतलब हिंदू मुस्लिम सब उठ रहा है वहाँ पे, लोग तो आखिर रिलीजन तो होगा ही ना, हमारे इंडिया में रिलीजन और कास्ट इनएविटेबल है, ये होगा ही होगा, इसको कभी नहीं खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा, जान लेना ये चीज़, कोई बोलता है ख़त्म हो जाएगा, हम बोलते हैं ना एजुकेशन से
और तुम्हारा डार्कनेस खत्म होगा फिर लाइट आएगा। मैं तुम इतिहास लिख लो ये चीज़, लिख मेरा लिखा हुआ कभी नहीं कास्टिज्म खत्म होगा। मैं कास्टिज्म खत्म होना नहीं खत्म होना कोई गलत चीज़ नहीं है, नहीं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना अपना कास्ट रहेगा, समझ रहे हो ना। जितना लोग पढ़ोगे तो कास्ट पर्सनल हो जाएगा, समझ रहे हो ना, पर्सनल हो जाएगा तो उतना बेटर है। तब कहेगा कौन कश्यप है, कौन क्या है, कौन पोदार है, कौन नीतीश कुमार है। तुम नीतीश कुमार है ना, मैं तो फिर पकड़ लेगा हमको फालतू का। हमारे क्लास में नीतीश कुमार है। मैं तो हमारे चीफ मिनिस्टर का भी नीतीश कुमार नाम है, ठीक है ना, बहुत प्रोग्रेसिव रहे हैं। दो ही व्यू आएगा बाबू, डोंट वरी। देखो दिस डिवीजन क्रिएटेड हंसेगा सुन के सब। तो ये डिवीजन सब बाबू क्या बना, एक ग्राउंड बना अमेरिकन सिविल वॉर का। देखो डिफरेंस प्रिवेलिंग बिटवीन नॉर्दर्न एंड साउदर्न स्टेट्स इंटेंसिफाइड हो गया। क्यों, अमेरिकन यूनियन और जा रहा है, एक्सपांड हो रहा है, तो अमेरिकन यूनियन और एक्सपांड हो रहा है तो ये और इंटेंसिफाइड हो गया। कैसे, देखो इसको जस्टिफाई किया है कि नॉर्दर्न स्टेट चाहता था डैट न्यू एंट्री शुड बी एज अ फ्री स्टेट। जो नया एंट्री करेगा हमारे यूनियन में वो फ्री स्टेट होना चाहिए, यानी कि उसले वाला नहीं होना चाहिए, समझे। देखो ये नया चीज़ है। मैं साउदर्न स्टेट चाहता था कि न्यू एंट्री स्लेव स्टेट हो, अपना अपना विचारधारा वाला बात है। तो ये इश्यू को रिजॉल्व किया गया सक्सेसफुली मिसरी कॉम्प्रोमाइज करके, ठीक है, 1820 में, और वहाँ पे समझौता किया गया। तो वहाँ पे समझौता क्या हुआ, इट वॉज अग्रीड अपन डैट न्यू एंट्रीज वुड बी एज अ फ्री स्टेट्स एंड स्लेव स्टेट अल्टरनेटिवली। पहले होगा फ्री स्टेट फिर स्लेव स्टेट, फ्री स्टेट स्लेव स्टेट, इस तरह आएगा। और कोई दो आया बोला कि हम फ्री स्टेट होना चाहते, नहीं, पहले वो वाला आएगा और फिर दूसरा, किसी को आना है तो अपना कतार में आओ, पंक्ति में आओ, अल्टरनेटिवली। अब करना पड़ा, कंट्री को बढ़ाना है तो करना पड़ेगा। नाइस ना, नाइस अरेंजमेंट ना। देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाता है 1860 में, ठीक है, जहाँ पे और ये डिवीजन इंटेंसिफाइड हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब्राहम लिंकन कैंडिडेट थे तुम्हारे रिपब्लिकन पार्टी का और वो स्ट्रांगली अगेंस्ट थे एंटी स्लेवरी के, ठीक है। इलेक्शन के टाइम में भी देखो यही तो है, इन्होंने स्पीच रिपीटेडली एम्फसाइज किया कि यूएस कैन नॉट कंटिन्यू एज अ हाफ फ्री एंड हाफ स्टेट नेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबा समय तक नहीं चलेगा, लंबा तक यूएस नहीं सह सकता है कि आधा स्लेव स्टेट हो आधा फ्री स्टेट हो, पूरा फुल स्टेट करेंगे। यानी कि तुम समझ रहे हो साउथ में कितना बड़ा विद्रोह हो जाएगा इनके स्पीच की वजह से, और पोटेंशियल कैंडिडेट है, और ये बन भी जाते हैं तो और इंटेंसिफाई हो जाएगा नीचे सिविल वॉर। तो दिसंबर 1860 में अब्राहम लिंकन इमर्ज, ये 18 दिसंबर यह दिया गया है, इसलिए 1861 क्यों गोमल, वही जनवरी 21 को शपथ लेंगे, नियम है, नियम है प्रेसिडेंट का कि जीत गए जनवरी में होगा इनका शपथ ग्रहण, जैसे इस बार जो बाइडन का हुआ था, ये रूल है जी। और पहले और डिफरेंट डिफरेंट रूल था, बात समझे। तो दिसंबर 1860 में अब्राहम लिंकन विक्टोरियस हो गया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, और इस विक्ट्री में साउदर्न स्टेट हिल गया, डरा हुआ है, ठीक है, डर गया। द फेल दैट प्रेसिडेंट लिंकन वुड इम्पोज, ठीक है, और बहुत तरह का जो क्या बोले उसको रिस्ट्रिक्शन कह सकते हो, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने वाला है, और ये सीनारियो कहीं ना कहीं बाबू डिस्ट्रॉय कर दिया वहाँ के जो भी कल्चरल लाइफ थे, जो सोचने का तरीका, उस पर डिस्ट्रक्शन हुआ है। लिख लेना बना के तुम लोग, बस समझते रहो। दिस फियर प्रोसीडेड, और ये फियर कन्विंस किया साउदर्न स्टेट्स को कि भाई आप निकलिए अमेरिकन यूनियन से, नहीं तो कुछ नहीं होगा, और यही कारण है कि निकल गया, सिसेशन हुआ है अभी जो बोले थे मेंस वाला, कि क्यों, क्योंकि जीत गया है अब साउथ को दबाएगा, दबाने से पहले आप निकल जाओ। तो वही है साउथ कैरोलिना, आप देखो नया है ना, साउथ कैरोलिना एक्चुअली पहला स्टेट था यूएस का, साउथ कैरोलिना याद आया तुमको, जो कि 13 colonies में भी प्रेजेंट था, नहीं था नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, देखो जगह मैप में देखो, कोई एक मैप देखो ना जी, ऊपर क्यों जा रहे हो, जो सबसे लेटेस्ट देखे थे तो उसमें साउथ कैरोलिना नहीं है, देखो वहाँ पे दिख गया, देखो वहाँ पे देखो। तो इसलिए बोलते हैं कि साउथ कैरोलिना पहला स्टेट था जो अमेरिकन यूनियन से हटा,
जैसे ही बने, ठीक है। अब बाय फरवरी, इसमें डिटेल में रहेगा, बाय फरवरी यानी कि इनका शपथ ग्रहण के बाद तुरंत एक महीना के आसपास 7 Southern States लेफ्ट अमेरिकन यूनियन और अपना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसका छोटा सा एक ग्रुप बना लिया कॉन्फिडेंस स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और किसके अगुवाई में, जेफरसन डेविस के अगुवाई में, जो कि साउथ के रहेंगे। तो ये 7 स्टेट में, कुछ स्टेट तो उधर भी नाम आ ही गया था, मिसिसिपी वाला, अलबामा वाला, टेक्सस वाला, और पहला स्टेट क्या था, साउथ कैरोलिना वाला था। अब देखो डिफरेंस प्रिवेलिंग बिटवीन, हाँ ये तो हो चुका है ना, ये डबल डबल फोटो खींच दिया क्या, हाँ देखो दिस डेवलपमेंट कल्मिनेटेड, और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है ऊपर नीचे करने के चक्कर में, अप्रैल 61 से बिगुल बज गया सिविल वार का, समझिए बात को, यानी कि अब्राहम लिंकन आए तब सिविल वार स्टार्ट हुआ है, बात समझो। और इनका आना एक बहुत बड़ा रीज़न है सिविल वार का, मगर गजब बात है कि इन्होंने क्राइसिस को क्राइसिस में रहने दिया, उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल दिया, उसको भी मॉडर्नाइज कर दिया, और उनके सक्सेस सब और अच्छा काम कर दिए। अब देखो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रेट बनाना है तो लीडरशिप किस लिए होता है, तो अब हम मोदी जी को खराब बोलेंगे, आर्टिकल 370 हटाया तो, बात समझो ना, आर्टिकल 370 भी यही चीज़ है, यदि इस कॉन्टेक्स्ट समझो तो, और इतिहास लंबा समय तक याद रखेगा मोदी जी को, क्योंकि आज़ादी के 70-75 साल बाद भी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ था, इन्होंने कर दिया, इसका मतलब देखो लीडरशिप जो बोल्ड होता है, बात समझो, नेतृत्व उसको ही बोला जाता है कि जो बोल्ड डिसीजन ले सके, समझ रहे हो ना, जैसे शिवाजी हुए, उसके बाद देखोगे कितना सब डाउन हो गया, औरंगजेब कितना बड़ा वो था, उसके बाद देखोगे एक समय आया कि बात ही नहीं मान रहा, आराम से दूसरा को चला रहा है, समझ रहे हो ना, तो वही लीडर का काम है जी, और लीडर अब्राहम लिंकन। अब देखो क्योंकि देखो तुम्हारा एक एजेंडा होता है ना, जैसे तुम मैनिफेस्टो में बीजेपी भी आते थे, बीजेपी का मैनिफेस्टो में हमेशा राम मंदिर का बात रहा है, हालांकि पोलराइजिंग इशू है, तो मैं अपना आइडियोलॉजी लेके आया और कर दिया उसने। अभी इस बार तुम्हारा तो बोले थे, इस बार यदि सब कुछ अनुकूल रहता, COVID-19 नहीं होता, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आता, CAA भी बहुत बड़ा इशू था जो कि तुम्हारा कांग्रेस के टाइम से था, वो भी तो ला दिए। तो बोल्ड लीडरशिप का मतलब ही है, अब सबसे बड़ा बोल्ड लीडरशिप एग्जाम्पल क्या हो, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, किसी का पावर है क्या नोटबंदी कर देना, फिर भी इतना वाला लीडरशिप था तभी तो किया है, ये साफ साफ दिखता है लीडरशिप, समझे ना, जैसे इंदिरा गांधी का लीडरशिप देखो, बांग्लादेश को बना दिया, अरे गेटिंग मी, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम कुछ पॉपुलेशन के बजे हम अपना काम ही नहीं करें, समझ रहे हो बात को ना, कंट्री में पॉपुलेशन डिवाइड हो गई होगी हर इश्यूज पे, अभी हम बात करेंगे, अभी कितना आदमी हमको विरोध कर देगा, इसका मतलब क्या हम बोलना ही छोड़ दें, हमारे विचारधारा से आप सहमत मत होइए कोई दिक्कत नहीं है, मां हमको बोलने का पूरा अधिकार, हो सकता है हमारे विचारधारा से लोग बहुत ज़्यादा सहमत हो जाए, बाकी सेक्शन ऑफ पीपल, अब्राहम लिंकन भी यही चीज़ किए थे, समझ में आया जी, तो इसलिए तुम ये नहीं बोल सकते कि अब्राहम लिंकन रीजन थे सिविल वार का, आर यू गेटिंग मी, क्योंकि कोई भी प्रोग्रेसिव जो प्रेसिडेंट बनेगा वो यही सोचेगा कि क्यों डिवाइड है। अब देखो डिवाइड भी तो हो रहा है, अनएथिकल लाइन पर डिवाइड है ना, इसलिए बड़ी पूरी तरीके से अनएथिकल इश्यूज है, होप सो समझ में आ गया होगा तुमको। देखो अप्रोच ऑफ लिंकन टू अमेरिकन क्राइसिस, तो इनका क्या रहा, तौर तरीका क्या रहा, किस तरह इन्होंने सॉल्व किया, रिजॉल्व किया, अभी तुरंत राज गद्दी में आए ही थे, ठीक है, गद्दी में कब आए थे, एंटर ऑफिस देखो 4 मार्च को आए, सॉरी उस समय ऑफिस में थोड़ा अलग था, ठीक है, जीते हैं उसके बाद 4 महीना बाद आए हैं, ये तो हमेशा से नियम है कि तुरंत जीत के तुम, इंडिया की तरह नहीं होता कि तुरंत जीत के तुम 10 दिन में तुम्हारा शपथ ग्रहण है, ऐसा नहीं होता है, गैप लगता है, ट्रांजिशन फेज होता है। ये ऑफिस में 4 मार्च 1861 को आए, और इस टाइम तक बाबू 7 Southern States तो भाग चुका था, यूनियन छोड़ चुका था, और अपना ही सेसेशन वही वाला स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया था, कॉन्फिडेंट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, है ना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट लिंकन वॉज एंटी स्लेवरी पर्सनली बट एज अ प्रेसिडेंट ही वॉज क्वाइट क्लियर अबाउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ मन से है, अंदर तो कुछ और है, कंट्री के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा आपको, अंदर से तो है कि एंटी मॉरल है, एंटी एथिकल है स्लेवरी, मगर वो क्वाइट क्लियर थे कि हमारा जिम्मेदारी क्या है इस पॉइंट पे, हमको बचाना है, हमको यूनाइट करना है, इसलिए बड़ी बाद में रहेगा, यूनाइट रहेगा तो इसलिए भी अपने आप खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो प्रेसिडेंट लिंकन क्लियरली अनाउंस डैट इफ आई कुड सेव यूनियन विदाउट फ्रीइंग एनी स्लेव आई वुड डू इट, एंड इफ आई कुड सेव इट बाई फ्रीइंग सम
लिव अदर्स अलोन आई वुड ऑल्सो डू इट, बोला कि हम किसी तरह भी हमको यूनियन करना है, बस ये है मतलब, वो स्लेव कंट्री रहे ना रहे हमको यूनियन बनाना, बस मेरा प्राइम फोकस है, वही स्पीच है, मेरा प्राइम फोकस है यूनियन के सॉलिडिटी को मेंटेन करना, चाहे उसमें फ्री स्टेट हो चाहे उसमें स्लेव स्टेट हो, वो यूनियन का पार्टी रहेगा, ठीक है, डरो मत, ठीक है ना, वही बोला चाह रहा। देखो फिर से समझो, ये बोला गया शब्द है इनका, कोट टू कोट लिखा गया चीज है ये, आई कुड सेव यूनियन विदाउट फ्रीइंग एनी स्लेव, ठीक है, हम बिना स्लेव को छोड़े हुए भी हम रख सकते, यानी कि हम स्लेव स्टेट को जीने देंगे, समझ गए ना, आई वुड डू इट एंड इफ आई वुड सेव इट बाई फ्रीइंग सम एंड लिविंग अदर्स अलोन आई वुड ऑल्सो डू इट, यानी कहने का मतलब वही हुआ, मैं वही रिपीट करूंगा, कुछ भी का नहीं थो, चाहे हम किसी को छोड़ दे किसी को नहीं छोड़े, जो भी हो हमको यूनियन को बचाना है, सिंपल टर्म्स में। अब कोट टू कोट तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब्राहम लिंकन का शब्द लिखा गया वहाँ पे, प्रेसिडेंट लिंकन वांटेड टू सेव अमेरिकन्स यूनियन एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कॉस्ट पे बचाना होगा इनको, क्यों, कंट्री का सवाल है। डेलीगेट्स वर सेंड बाय हिम टू होल्ड डिस्कशन विद रेबेलियस साउदर्न स्टेट, साउदर्न स्टेट जो तुम देख रहे हो अभी, कौन था कोमल, कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, उसका जॉर्जिया, टेक्सस, मिसिसिपी, तुम्हारा अलबामा, तो ये डेलीगेट्स अपना तैयार करके भेजे कि जाइए बात करिए उनसे, साउदर्न स्टेट से, देवर प्रोमिस डैट नो इमेंसिपेशन वॉज इम्पोज ऑन अगेंस्ट देर विल, बोला कोई भी ऐसा चीज़ आपके ऊपर नहीं लागू किया जाएगा आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपका इच्छा होगा तभी किया, ऐसे नहीं करेंगे हम, डोंट वरी, आप मत जाइए छोड़ के, ठीक है ना, कंट्री का यूनियन का सवाल है, समझे। दिस टॉक फेल टू डिजॉल्व, मगर नहीं हुआ, ये लोग भी जीत पे आ गया, और 12 अप्रैल 1861 को रेवेलियस जो सीएसए था, सीसेशन एक है सॉरी कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अटैक्ड फोर्ट सुमात्रा हेल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड वॉर बिगन, और जो तुम्हारा फोर्ट सुमात्रा तुम्हारा जो था यूनियन गवर्नमेंट का जो प्रतीक था, रिप्रेजेंटेटिव था, वहाँ पे अटैक किया और वहाँ से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। हाँ, माना नहीं, और ये लोग भी बार बार कोशिश कर रहा है इसको कैसे कन्विंस करें, रेवेलियस हो गया वो सब। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ, सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन सिविल वार, अमेरिकन सिविल वार वॉज द मोस्ट डिवास्टेटिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ठीक है, इससे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था। विक्ट्री ऑफ यूनियन इन दिस वार, जीत गया यूनियन, स्ट्रेंथन किया यूएस को ग्रेटली, जो भी एम्बिग्यूटीज थे, एम्बिग्यूटीज मतलब क्या है, जो अनक्लियरनेस, जो वेग था, अनक्लियर चीज संविधान में था, वो सभी को रेक्टिफाई कर दिया गया उसके बाद, है ना, स्लेव को मिलेगा राइट्स, ब्लैक को भी वोटिंग राइट्स मिलेगा, सबको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना, जितने भी एम्बिग्यूटीज प्रेजेंट थे, ठीक है, जितने भी कन्फ्यूजन या अनक्लियरनेस जो था संविधान में, उसको रिमूव किया गया और यूनियन डिक्लेयर किया गया कि ये इनडिजोल्वेबल है, इनडिजोल्वेबल मतलब कैन नॉट बी डिजोल्व, ये कभी टूट नहीं सकता है, ऐसा यूनियन है, हम मानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप निकल सकते हैं, तो इनसेपरेबल नहीं हो सकता। यूएसए इमर्ज एज अ फॉर्मिडेबल मिलिट्री पावर आफ्टर सिविल वार, सिविल वार के बाद गजब का मिलिट्री पावर देखा, क्यों, प्रदर्शन हुआ, रिहर्सल हुआ यहाँ पे, समझ गए बात को, बिकॉज अ लार्ज आर्मी वॉज रेज, बड़े आर्मी को रखा गया, क्यों, एक दूसरे से लड़ने के लिए, और ये वही क्राइसिस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हुआ कि यार हम भी इतना बड़ा आर्मी को रेज कर सकते हैं, और न्यू वेपन्स इन्वेंटेड हुए ताकि जो साउदर्न स्टेट जो सीसेशन कर रहे थे, भाग रहे थे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नए टेक्नोलॉजी आएंगे, वेपन्स आएंगे प्रिवेंट करने के लिए, कहीं ना कहीं तुमको वेपन्स से डराना तो होगा उसको, समझ रहे हो बात को। बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं वह फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए साउदर्न स्टेट्स का, ठीक है, ताकि जो इकोनॉमिक सेक्सुअलिज्म है कोमल, या फिर इकोनॉमिक जो डिफरेंसेस या डिवीजन है वो रिमूव हो सके। इंडस्ट्रीज फिर से इस्टेब्लिश किया गया, रेल नेटवर्क बनाया गया, रोड बनाया गया, ताकि और मोबिलिटी और कनेक्टिविटी हो, वो नॉर्दर्न के पार हो सके, उसके स्टैंडर्ड पे वो भी डेवलपमेंट हो सके वहाँ पे भी। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया ताकि ब्लैक को भी एम्पावर मिल सके, सशक्तिकरण हो सके ब्लैक का भी, ठीक है। 1865 में 13th वही बोले थे नहीं बोले थे 13th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, स्लेवरी को पूरी तरीके से फाइनली तुम्हारा एबोलिश कर दिया गया वहाँ से। 1868 में 14th अमेंडमेंट लाया गया, देखो वहाँ पे 13th और 14th डायरेक्ट लिख दिया गया था, मतलब 3 साल का गैप है ये। फिर 14th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जो इनैक्ट किया गया फेडरल लीगल प्रोटेक्शन, ठीक है, अब मतलब आपको फेडरल लीगल आई, हर स्टेट आपको देता है
कोई तरह का आपका राय, आपके रेसियल डिस्क्रिमिनेशन से आपके साथ कोई गलत बात नहीं होगा, सिटीजन को प्रॉमिस किया जा रहा है, समझे ना, कि फेडरल लीगल प्रोटेक्शन गारंटी दे रहा हर एक सिटीजन का, चाहे आप किसी भी रेस से हो, कोई भी कलर है आपका, गोरा हो, ब्लैक हो, अफ्रीका हो, कहीं के भी हो, यहाँ के हो ना, बात खत्म, प्रोटेक्शन, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन। तो इन 1870 15th अमेंडमेंट एक्ट फिर से आया, देखो 13, 14, 15 देखो हो रहा है, 4 साल बाद, फिर 2 साल बाद, इनएक्टेड थ्रू विच रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन वोटिंग राइट्स वे रिमूव। अब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से आप वोटिंग राइट्स नहीं देते, ब्लैक को नहीं देते थे, अब ब्लैक को भी देना शुरू कर दिया राइट्स, ब्लैक भी दे सकता है। दिस स्टेप्स टेकन टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ ब्लैक्स एंड एनहांस द प्रेस्टीज ऑफ यूएस इंटरनेशनली। और यूएस का जो प्रेस्टीज है दुनिया में हो गया कि देखो और भी बहुत सारा कॉलोनीज बना के रखा है, उसमें ब्लैक का कोई नहीं देता, मगर यूएस देखो कितना अच्छा काम किया है। अब बताओ इसमें 1860 का बात हो रहा है, तो इंडिया तो देखो कितना पीछे था, 1870 में इंडिया कितना पीछे था, 1885 में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस खुला है, इसका मतलब ये सभी चीज़ प्रभावित करेगा, इंस्पायर होगा ये सभी चीज़। तो दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज क्लास।